अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। जानकी बोड़ीवाल अहमदाबाद भारत की एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। बोड़ीवाला का जन्म 30 अक्टूबर 1995 को अहमदाबाद गुजरात भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम भारत बोड़ीवाला है। उनके माता का नाम कश्मीरा बोड़ीवाला है। उनका एक भाई है जिनका नाम ध्रुपद बोड़ीवाला है। उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा एमके सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदाबाद से की है। उन्होंने गांधीनगर के गोयनका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS में ग्रासन की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने मिस इंडिया 2019 में भी भाग लिया था जहां वो मिस इंडिया गुजरात की टॉप 3 फाइनलिस्ट में थे। जानकी बोड़ीवाला का बचपन से ही अभिनय का शौक था। गुजराती फिल्म छेलो दिवस 2015 से अभिनय की शुरुआत करने के बाद वो फिल्म ओ तेरी 2016 में दिखाई दी जिसमें उन्होंने दीपा की भूमिका निभाई। उन्हें 2017 में अहमदाबाद टाइम्स द्वारा 30 सबसे डिजायरेबल महिला में लिस्ट किया गया था। 2018 में वो टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद द्वारा समर्थित और मर्सिडीज बेंज द्वारा प्रस्तुत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सी इज द स्टार में शो स्टॉपर रही। 2019 में उन्होंने भाव्या गांधी अभिनीत गुजराती फिल्म बावना बिचार में सिपाही की भूमिका निभाई। उसी बस उन्हें गुजराती संगीत वीडियो बूम पड़ी गई में जिगरदान गढ़वी के साथ दिखाया था। म्यूजिक वीडियो यूट्यूब चैनल अहमदाबादी बीट्स पर अपलोड किया गया था। उन्हें 2023 में गुजराती हॉरर थ्रिलर फिल्म बॉस में आर्य के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए भारी प्रशंसा मिली। अगले बस उन्होंने फिल्म शैतान के हिंदी रीमेक में भी अभिनय किया जिसमें उन्होंने जाह्नवी की भूमिका निभाई। जानकी कई गुजराती फिल्मों जैसे तंबूरो 2017, तारी माते वांस मोर 2018, छुट्टी जासे छक्का 2018, नाड़ी दोस 2022 और तू राजी रे 2022 में नजर आ चुकी है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर डाबर हनी, ट्राइचअप हेयर केयर और लोरियल प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स सहित विभिन्न ब्रांडों का प्रचार करते हैं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking look-